यूपी के उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता को जिंदा जलाने की जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी के रिश्तेदार ने अब पीड़िता के चाचा चाची को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी के रिश्तेदार ने उन्हें फोन कर धमकाया कि वे उनकी दुकान जला देंगे और जीने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रेप पीड़िता को जलाकर मारने की कोशिश के मामले में आरोपियों और उनके समर्थकों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। अब इस मामले में एक आरोपी के रिश्तेदार ने पीड़िता के चाचा और चाची को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपियों ने कहा कि हम उन्हें जीने नहीं देंगे। दरअसल पीड़िता के चाचा गंगा घाट थाना इलाके में किराए के मकान में रहते हैं और वहीं पर एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। पीड़िता के चाचा के मुताबिक उन्हें आरोपी शिवम के फूफा ने फोन करके धमकी दी और कहा कि वे उनकी दुकान जला देंगे और जीने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि हमने इस घटना का पुलिस को सूचना दी है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पीड़िता की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पीड़िता को लखनऊ से एयरलिफ्ट करके दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया। पीड़िता अभी बर्न वार्ड में भर्ती है। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता लगभग 90% जल चुकी है। फिलहाल पीड़िता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 72 घंटे कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 अन्य हिरासत में हैं। इन सभी से उन्नाव पुलिस पूछताछ कर रही है। योगी सरकार ने घोषणा की है कि पीड़िता के इलाज में आने वाला सारा खर्च सरकार वहन करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर आड़े हाथों लिया है।